जो है गमला में घोर लिए हैं। चूल्हा तो भींग गया, फिर भी जो है नीप देते हैं। नीप देने से होता है जो चूल्हा जल्दी धर लेता है। इसी पर खाना बनाएंगे। अंतरा को भूख लगी है, देव को भी भूख लगी है। देखिए ढरा फूल गया है, से ढरा देखिए सूख जाता तो फिर कंचन हो जाता। आज तो हम झपा से मारे छे तो उपाय। तो चले दोस्तों, चूल्हा नीप दिए हैं, पूरा नहीं नीपेंगे, पूरा भींगा हुआ है। तो आइए अब चूल्हा को हम जोड़ेंगे। बड़ा कठिन से चूल्हा धर रहा है, ऊपर से लकड़ी भी डाल दिए हैं। थोड़ा देर जो है इसको धर लेने देते हैं। तो चलिए दोस्तों, चूल्हा धर लिया है, तसला डाल देते हैं। आलू मटर जो है उबला जाएगा। ढक्कन डाल देते हैं ताकि जल्दी जो है उबल जाएगा। चलिए दोस्तों, आलू मटर पक गया है तो हम उतार कर ठंडा होने के लिए डाल देते हैं और मसाला भूनेंगे। दोस्तों आलू मटर को अच्छी तरह से जो है उबाल लिए हैं। देखिए मटर जो है सिझ गया, पक गया है मटर और आलू भी पक गया है। आइए दोस्तों कढ़ाई चढ़ाते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा बनाएंगे, ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। आइए दोस्तों बनाते हैं। तो आलू का छिलका छील दिए हैं दोस्तों और कढ़ाई भी गर्म हो गया है। तो आइए तेल डालते हैं। तेल डाल दिए हैं और प्याज मिर्ची काट लिए हैं। तो चलिए सबको साथ ही डाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्याज लहसुन मिर्ची जो है भुना गया है, हल्का और भुनेंगे। और पन्नी में ही मसाला लेके आए हैं। तो चलिए लहसुन प्याज मिर्चाई भुना गया है तो इसमें हम मसाला डाल देते हैं। धनिया पाउडर और हल्दी मिर्ची पाउडर मिक्स है, हल्के ही डालेंगे। और कलर के लिए हम हल्दी डाल देते हैं, हल्का पानी डाल देंगे ताकि जले। नमक डाल दिया है, मसाला को 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। दोस्तों मसाला को भूनते हैं। तो चलिए दोस्तों, मसाला जो है भुना गया है, अच्छा भी कलर भी आया है। तो ऐसे आइए इसमें हम डाल देते हैं आलू मटर जो उबाले हैं। आलू को छलनी से ही कट लगा देंगे। मसाला के साथ 2 से 3 मिनट तक आलू मटर को भून लिए हैं। तो आइए इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। तो आइए हम इसे ढक्कन से ढक देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा जो है आलू और मटर का रेसिपी बनकर तैयार हो गया है। इतना रसदार रखेंगे, बनकर तैयार हो गया है। जल्दी मार डालो, अब बोलिए देव वहां से आ गया। तो दोस्तों सब्जी बनाकर तैयार कर लिए हैं। दोस्तों आलू मटर का कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। अच्छा, देव को बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है सब्जी का।
मेरी रेसिपी बनाने का तरीका पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।